अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HSSDLP हिना सेकेंडरी स्कूल, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर मैथ टीचर ऑफ क्लास 8। माई नेम इज़ मोहम्मद एहसन खान। सो लास्ट टाइम वी हैड बिन कम्प्लीटेड अवर सिलेबस एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द रिवीजन। हम इस वीडियो से अपनी रिवीजन क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन वर्क का, जो कि नंबर सिस्टम चैप्टर से रिलेट करता है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा। कन्वर्ट दी फॉलोइंग नंबर्स इंटू देयर बेस 10 इक्विवेलेंट। आपने नीचे मंदरजा दिए नंबर्स को कन्वर्ट करना है बेस 10 के बराबर नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार आपको मैथमेटिशियन ने बनाकर दिया है। तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ तरीके के नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके बेस 10 नंबर्स। 0 से लेकर 7 तक जो नंबर्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं बेस 8 नंबर्स। और 0 से लेके 4 तक के जो नंबर्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं बेस 5 नंबर्स। ठीक है, और आपके जो बाइनरी नंबर्स होते हैं जिसके अंदर 0 और 1 आ रहा होता है वो कहलाते हैं बेस 2 या बाइनरी नंबर्स। ठीक है, बेस 10 वाले नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। जो हमारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं उन्हें हम बेस 10 नंबर्स और डेसिमल नंबर्स जो हैं वो कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जब भी आपको, एक मिनट में आपको थोड़ा सा समझाता चलूँ, कि जब भी आपको डेसिमल नंबर दिया हो, क्या दिया हो, डेसिमल नंबर मीन्स नंबर सिस्टम के अंदर हम ये चेक करते हैं कि नंबर्स को कितने क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। तो डेसिमल नंबर्स जो है वो आपको दिए हुए हों, फॉर एग्जांपल आपको कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ 25, इसका मतलब है कि इसकी बेस 10 लगी हुई है। आप नंबर सिस्टम के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा नंबर कौन सा है? अगर किसी की बेस 10 होगी तो आप कह दोगे कि ये बेस 10 नंबर्स हैं। अगर किसी की बेस 5 होगी तो आप कह दोगे ये बेस 5 वाले नंबर्स हैं। किसी की बेस 2 होगी, 2 जो है वो 0 और 1 की हो सकती है बेस, तो आप कह दोगे ये बाइनरी नंबर्स हैं, मतलब बेस 2 वाले नंबर्स हैं। ठीक है, अब आपको कन्वर्जन सीखना है नंबर्स का। तो नंबर्स को कन्वर्ट करने का तरीका देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर डेसिमल नंबर है, कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है और आपको डेसिमल नंबर से कन्वर्ट करना है बेस 5 वाले नंबर्स के अंदर या बेस 8 वाले नंबर्स के अंदर या बाइनरी नंबर्स के अंदर। ठीक है, जब भी आप डेसिमल नंबर से बेस 5, बेस 2 या बेस 8 वाले नंबर्स में जाएंगे तो आप LCM मेथड फॉलो करेंगे। कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? LCM, मतलब आप बेस 10 वाले नंबर्स का, अगर बेस 5 में जाना होगा तो बेस 5 से LCM ले लेंगे, अगर बेस 8 में जाना होगा तो बेस 8 से LCM ले लेंगे, अगर बेस 2 में जाना होगा तो बेस 2 से LCM ले लेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। डेसिमल नंबर से अगर हमें किसी भी बेस में जाना होता है, बेस 5 हो, बेस 8 हो या बेस 2 हो या फिर हमारे पास बेस 16 हो, हम उसका LCM ले लेते हैं, LCM एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब भी किसी भी बेस से अगर हमें वापस आना हो डेसिमल नंबर्स के अंदर तो हम उसमें एक्सपेंशन मेथड फॉलो करते हैं। कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? एक्सपेंशन मेथड। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आना होता है बेस 8 में जाना होता है, बेस 5 में जाना होता है या बेस 2 में जाना होता है और बेस 16 में जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम LCM एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? LCM एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब भी हमें बेस 16 में से, बेस 2 से, बेस 8 से या बेस 5 में वापस आना होता है तो हम एक्सपेंशन मेथड फॉलो करते हैं। कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? एक्सपेंशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, हमारे पास 42 दिया हुआ है और 42 को हमने कन्वर्ट करना है बेस 10 के अंदर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ना कि बेस 10 में क्या करो, कन्वर्ट करो। तो 4 मल्टीप्लाई बाय जो भी बेस होगी उससे आप क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई। ये तरीक़ेकार है। 4 को हमने मल्टीप्लाई करवाया किससे, 5 से। बीच में लगाओगे आप प्लस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंशन मेथड। आपने 4 को अलग एक्सपेंड कर दिया और 4 के साथ क्या था, 2 उसको भी एक्सपेंड कर दिया और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, बेस से, और बेस क्या है, 5। उसके बाद आपका ये आपका क्या होता है, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप बेस से क्या करवाते हो, मल्टीप्लाई। बेस से क्या करवाते हो, मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप के अंदर आप पावर्स अलॉट करते हो। क्या करते हो आप बेटा, पावर्स अलॉट करते हो। देखो कैसे, यहाँ से आप काउंट करोगे 0 और 1, और अगर आगे नंबर होते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। तो 4 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जो कि 5 मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। तो 5 1 5, बीच में प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0 या नॉट। जब भी किसी नंबर के ऊपर 0 या नॉट आ जाए तो मैथमेटिशियन बोलते हैं उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है? अगर x के ऊपर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर है, अगर y के ऊपर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर है, अगर v के ऊपर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर है। ये वैल्यूज़ क्यों बराबर होती हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम फिर कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हमें टॉपिक कवर करना है। ठीक है, तो 5 के ऊपर जब भी नॉट आ जाए, 0 आ जाए, तो उसकी पावर किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। तो 4 5 ज़ार क्या होता है,
20 बीच में लगा देंगे प्लस 2 1s क्या होता है, 2, 2 को 2 से करवा, 2 को 1 से करवा दो तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। 20 को प्लस करवाएंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आएगा 22। क्या आंसर आएगा, 22। और हम बेस क्या लगा देंगे, 10। अब ये बेस 10 क्यों लगाई, क्योंकि हमें बेस 5 से सवाल में कहा हुआ था कि बेस 10 में जाना है, तो बेस 5 से बेस 10 तक का सफ़र जो था वो आपका ये पूरा मेथड था, जो कि आपको किसने बताया था ये रास्ता, ये रास्ते पे आप चले तो आप बेस 5 से किस पे आ गए, बेस 10 पे आ गए, ये रास्ता आपको बनाया था मैथमेटिशन ने। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा नंबर सिस्टम का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, जो कि हमें डेसिमल नंबर को नहीं, बेस 8 वाले नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पता है जब भी हम बेस 8 वाले नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक्सपेंशन मेथड फॉलो करते हैं। कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय, बेस से क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई 8 बीच में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 बीच में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 बीच में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, और फिर राइट साइड से हम पावर्स को अलॉट करना शुरू कर देते हैं बेस के ऊपर। 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उसके बाद हम 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 8 का क्या पढ़ लेंगे, क्यूब। 8 का क्यूब क्या होगा, 5, 1, 2 बीच में क्या लगाएंगे प्लस, 8 का स्क्वायर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64 बीच में लगाएंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे 3। 8 के ऊपर 1 है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 ही हो जाएगा बीच में लगाएंगे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 0। 8 के ऊपर नॉट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ठीक है, अब आप 5 को 5 1 2 से क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई। तो देखो किस तरह से 5 को 5 1 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे आप, तो आपका बनेगा 2560। क्या बनेगा, 2560 बीच में क्या आ जाएगा प्लस, 0 को 64 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या होगा, 0। 3 8 क्या हो जाएगा, 24 बीच में आ जाएगा प्लस, 0 1 क्या होगा, 0। ठीक है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 2560 को आप 24 में प्लस करवाओगे तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा 2580। कितना बनेगा, 2584। बेस क्या लगा दोगे आप, बेस 10। तो जो आपका आंसर आया वो क्या आया, बेस 8 के अंदर जो नंबर 5030 लिखा जाता है वो बेस 10 में किसके बराबर होगा, 2584 के। ठीक है, तो देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग, और हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे नंबर्स को। तो हमारे पास पहला नंबर है 5001 और है 4432, दोनों की बेस क्या है, 8 है। ठीक है, अब आपने इन दोनों को क्या करवाना है, माइनस करवाना है। ठीक है, तो आप राइट साइड से जाओगे और माइनस करवाओगे, आपने सब्ट्रैक्शन तो की है, सब्ट्रैक्शन तो की है, एडिशन भी की है, लेकिन आज हम ये सीख रहे हैं कि बेस 8 वाले नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करवाया जाता है। इससे पहले तक हमने डेसिमल नंबर्स, जो कि हमारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर्स, उनकी सब्ट्रैक्शन सीखी, जो कि 0 से लेकर 9 तक आ रहे होते हैं और उनकी बेस क्या होती है, 10। लेकिन आज हम सीखेंगे कि बेस 8 वाले नंबर्स को हम जो है वो कैसे सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो 1 में से 2 नहीं जा सकता, हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। हम आगे आए तो ये नंबर 0 था, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, हम आगे चले जाएंगे क्योंकि ये भी हमें बोरो, ये हमें नंबर नहीं दे सकता था, इससे आगे बढ़ जाएंगे, इससे आगे वाले के बाद भी हम बोरो नहीं कर सकते, तो उसके आगे जाएंगे हम, तो 5 से हम बोरो करेंगे तो 5 हो जाएगा 4, और हमें ये 0 को क्या दे देगा, एक अपना नंबर, तो 0 इससे बोरो कर लेगा। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जब भी आपके पास बेस 8 वाले नंबर्स में हम किसी से बोरो करते हैं तो हम एक वन कैरी नहीं आता, हम पूरा का पूरा 8 अज्यूम करते हैं, मतलब जो उसका एक जो नंबर होता है, मतलब 5 के पास समझ लो 4 1 थे, कितने वन थे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने थे, 4 थे, लेकिन उसका जो एक नंबर था वो हम बेस 8 के अंदर अज्यूम करेंगे वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है, किसके बराबर है, 8 के बराबर। ज़रा रुक जाए, मैं इसको ज़रा मिटा दूँ। ठीक है, तो बेस 8 के बराबर है, कहने का मकसद मेरा ये है कि जब भी हम बेस 8 वाले नंबर्स के अंदर बोरो करेंगे तो वो जो एक नंबर होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा, वो एक नंबर 8 के बराबर होगा, जब ये इससे मांगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको भी जो है वो नंबर चाहिए, तो जब ये इससे बोरो करेगा ये हो जाएगा 7, और आपको पता है बेस 8 के अंदर एक नंबर किसके बराबर होता है, 8 के, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब जब ये इससे बोरो करेगा तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ज़रा देखो किस तरह से,
अब 8 में आप 1 को प्लस करोगे, 8 में आप 1 को क्या करोगे, एक मिनट रुको, एट में आप 1 को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 9, और 9 में से आप 2 को क्या करवाओगे माइनस, तो हो जाएगा 7। ठीक है, 7 में से 3 को माइनस करवाओगे तो क्या हो जाएगा 4, 7 में से 4 को माइनस करवाओगे तो क्या हो जाएगा 3, और 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो क्या हो जाएगा 0, जिसको हम नहीं लिखते। ठीक है, और बेस क्या लगा दोगे आप 8, तो आपने 5001 को माइनस करवाया 4432 से, तो वो किसके बराबर आया, वो आया 347 के बराबर। किसके बराबर आ गया, 347 के बराबर। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है नीचे मंदरजा दिए नंबर्स का। ठीक है, आपको नंबर दिए हैं, बेस 8 वाले नंबर्स दिए हैं। देखो इसकी जो बेस है, ये बेस 8 लगी हुई है, यहाँ पर भी जो बेस है वो गया है, बेस 8 लगी हुई है। तो आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है मंदरजा दिए नंबर्स का। तो इससे पहले आपने सीखा था कि आपके पास बेस 8 वाले नंबर्स दिए हुए थे और बेस 5 वाले नंबर्स दिए हुए थे, उनको कन्वर्ट करना था डेसिमल नंबर्स में। किस में कन्वर्ट करना था, डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना था, तो आपने वो सीखा था। ठीक है, आपको पता है। उसके बाद अब आपने क्या सीखी, फिर आपने सीखा बेस 8 वाले नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करवाया जाता है, कैसे माइनस करवाया जाता है। ठीक है, और अब आप सीखने आ रहे हो कि बेस 8 वाले नंबर्स को या बेस 5 वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई। तो देखो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है 1, 3, 5 और 6, बेस है हमारी 8, यहाँ है 1, 7 और बेस है हमारी 8 मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 6 क्या होता है, 7 6 42। मल्टीप्लाई करने पर अगर 8 आए या 8 से बड़ा नंबर आए तो हम उसको 8 से डिवाइड करवाते हैं। ये तरीक़ेकार होता है बेस 8 वाले नंबर्स को, ये तरीक़ेकार होता है बेस 8 वाले नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन का, कि अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो, एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा होता है या 8 से बड़ा नंबर आ रहा होता है, तो आप उसको 8 से डिवाइड करते हो। तो 6 7 42, 8 के टेबल में 42 तो नहीं आता पर 40 आता है, 8 5 40। 42 में से 40 निकाला, कितना बचा के पास, 2। जो ऊपर क्वेश्चन होता है वो कहाँ जाता है, कैरी, और जो रिमाइंडर होता है वो कहाँ आता है, नीचे। 7 5 35, 35 में 5 प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 40। अब 40 को आप 8 से क्या करोगे, डिवाइड, 8 5 40, क्या बचा के पास, 0। जो बचता है वो नीचे आता है, और जो क्वेश्चन होता है वो आपका क्या आता है, कैरी। 7 3 21, 21 में 5 प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 26। 26 को भी आप 8 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 8 3 24, क्योंकि 8 की टेबल में 26 नहीं आता, 8 3 24, आपके पास क्या बचा, 2 बचा। जो क्वेश्चन है वो हमेशा ऊपर कैरी जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो कहाँ आएगा, नीचे। 7 1 7 और 3 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 को भी आप 8 से क्या करवाओगे, डिवाइड। 8 1 8, क्या बचा आपके पास, 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, 1 और 2 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 6 क्या होता है, 6। अब मल्टीप्लाई करने पे 8 से बड़ा नंबर नहीं आ रहा, अगर 8 आ रहा होगा या 8 से बड़ा नंबर आ रहा होगा तो ही डिवाइड करवाएंगे, अदरवाइज डिवाइड नहीं करवाएंगे। 6 1 6, यहाँ पे लिख देंगे सिंपल 6। 5 1 5, यहाँ लिख देंगे सिंपल 5। 1 3 3, यहाँ लिख देंगे सिंपल 3। और 1 1 1, यहाँ लिख देंगे सिंपल 1। ये जो कैरीज हैं ऊपर ऊपर, मतलब 7 के साथ जो मल्टीप्लाई करवाया था उनकी हैं, तो 1 जब मल्टीप्लाई करवाएंगे नंबर से तो इन कैरीज को इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब प्लस करवा देंगे नंबर्स को, जो कि आपको पता है सिंपल मल्टीप्लीकेशन में भी जो होता है, ये 2 को आपने ऑलरेडी लिखा। 6 में 0 प्लस करवाया कितना हो गया, 6। 2 में 5 प्लस करवाया कितना हो गया, 7। 2 में 3 प्लस करवाया कितना हो गया, 5। और 1 में 1 प्लस करवाया तो कितना हो गया, 2। तो आपके पास जो आंसर आया बेस 8 वाली नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का, वो आया 25762। ठीक है, अगर यहाँ पर भी, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ 8 होता, प्लस करने पर 8 बन रहा होता या 8 से बड़ा नंबर बन रहा होता, तो आप उसको 8 से क्या करवाते, डिवाइड करवाते। लेकिन यहाँ पर प्लस करने पर 8 नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने 8 से डिवाइड नहीं करवाया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो लास्ट में है वो आपका असाइनमेंट है। और असाइनमेंट आपने किस तरह से करना है कि मैं अभी जो इस वीडियो के अंदर आपने सिर्फ नंबर सिस्टम का रिवीजन समझा है, ठीक है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को समझा थोड़ा सा। उसके अलावा अगर कोई भी आपको क्वेश्चन समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में
मुझे वो क्वेश्चन बता सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन को समझा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको ये वीडियो अभी सिर्फ एक चैप्टर की दी है, और मैंने जो आपको रिवीजन वर्क के अंदर जो मैंने आपको रिवीजन वर्क के अंदर क्वेश्चन लिखवाए थे, किसके अंदर रिवीजन वर्क के अंदर जो क्वेश्चन लिखवाए थे, आपने सिर्फ वो वाले क्वेश्चन करने हैं, और ये आपने जो काम करना है वो फुल स्केप पेपर्स में करना है। किसमें करना है? फुल स्केप पेपर्स के अंदर, और उसको सबमिट करवाना है एक साथ। मतलब आप अभी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन वर्क करवाया है, जो सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर था वो था नंबर सिस्टम, उसके बाद सेकंड क्यूब एंड क्यूब रूट्स होगा, और फिर आगे अलजबरा और ज्योमेट्री के चैप्टर्स का जो सारा रिवीजन होगा उन सबको एक साथ फुल स्केप पेपर्स में करके फिर आपने उसको चेक करवाना होगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।